असल डियर स्टूडेंट्स आई एम मदिया यासिन यूर मैथ इंस्ट्रक्टर फॉर क्लास नाइन्थ आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज सेवनटीन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर सॉल्व करेंगे जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगलोसलेस ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन की तरफ स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज सेवनटीन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल मयर ऑफ हाइपोटिन इस क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल्ड ट्राएंगल्ट करनी है जिसमें हाईपोटेटीमीटर और किसी भी एक और साइड की दैट इज थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर वी नो दैट राइट एंगल्ड ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें कोई भी एक एंगल नाइंटी डिग्री के इक्वल होता है

तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कि इस गिवन डाटा से हम किस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे यहां पे हम सेमी सर्कल का यूज करेंगे एंड वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल तो स्टूडेंट्स किसी भी सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है उसको हम नाइन्टी डिग्री कहते हैं तो स्टूडेंट्स किसी भी सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो हमेशा नाइन्टी डिग्री के इक्वल होता है जैसा कि आप इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं अगर हमारे पास ये एंगल नाइन्टी डिग्री होगा तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेनस होगी यानी कि ये लेंथ हमें गिवन है तो इसको हम हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे अब हम चलते हैं अपने डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ तो उसके लिए सबसे पहले हम गिवन मेंशन कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है हाइपोटेनस इज़ फाइव सेंटीमीटर एंड वन साइड इज थ्री सेंटीमीटर और हमें रिक्वायर्ड है To construct कंस्ट्रक्ट आर राइट एंगल Given or required हमने कर दिया है, तो अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी फिगर को स्टूडेंट्स so, उसके लिए सबसे पहले हम स्केल लेंगे और फाइव सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे अब ये लेंथ बेसिकली हाईपॉर्टिनेस की लेंथ है तो इसके एंड पॉइंट्स पे मेंशन कर देंगे ए एंड बी स्टूडेंट्स जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो इसके लिए अब हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे सेमी सर्कल ड्रा करने के लिए हमें लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम कंपस लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे और लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ की हाफ से ज्यादा ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद एक आर्क अपर साइड पर ड्रा करेंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के लोअर साइड पर ड्रा कर देंगे अब कंपस को रखेंगे पॉइंट बी पे और अगेन एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के अपर साइड पे ड्रॉ करेंगे और एक आर्क इस लाइन सेगमेंट के लोअर साइड पे ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं अब हम स्केल लेंगे और इन इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अब ये लाइन जिस पॉइंट पे लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को मेंशन कर देंगे पॉइंट एम दैट इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी अब हमें एक सेमी सर्कल ड्रा करना है जिसमें ए बी उसके डायमीटर को शो करेगा और मयर लाइन सेगमेंट एम ए या मयर लाइन सेगमेंट एम बी सेमी सर्कल के रेडियस को शो करेगा तो उसके लिए कंपस लेंगे और रखेंगे पॉइंट एम पे और पॉइंट ए तक ओपन कर लेंगे जो बेसिकली इस सेमी सर्कल के रेडियस की लेंथ है अब ओपन करने के बाद पॉइंट एम पे ही रखते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे नेक्स्ट हम 3.2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो ट्रायंगल की सेकेंड साइड को शो करेगी तो उसके लिए स्केल लेंगे और कंपास को स्केल पे रखते हुए 3.2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे अब कंपास को रखेंगे पॉइंट ए पे और इस सेमी सर्कल के ऊपर 3.2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स इस आर्क ने जिस पॉइंट पे सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट किया है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट सी अब स्केल की हेल्प से पॉइंट ए को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी के साथ अब ए सी की कर देंगे, और लेंगे और को कर देंगे, के साथ तो इस तरह से वर्टेक्स सी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है और इसकी जो ऑपोजिट साइड है स वो फाइव सेंटीमीटर की हमने ड्रॉ की थी और एक और साइड को हमने थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया तो इस तरह से गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमने a, B, C, एक कर ली है। अब हम चलते हैंगमेंट मयर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर सेकेंड पॉइंट इज बाइसेगमेंट ए बी एट एम टेकिंग एम एस सेंटर टेकडियस

कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड आइसोसलिस ट्राइंगल हु इस क्वेश्चन में हमें राइट एंगल्ड आइसोसलिस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें हमें हाइपोटेनस की फोर डिफरेंट लेंथ्स गिवन है तो पार्ट वन में हमें लेंथ गिवन है 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम राइट एंगल्ड आइसोसलिस ट्राएंगल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे एंड देन हम अपने क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव करेंगे अ राइट एंगल्ड आइसोसिलस ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल डेट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल यानी एक ऐसा राइट ट्राइंगल जिसमें हमारे पास दो साइड्स की लेंथ इक्वल होगी उसको राइट एंगल्ड आइसोसलिस ट्राइंगल कहते हैं और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे तो इसमें एक एंगल हमारे पास नाइन्टी डिग्री का होगा जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं अगर हमारे पास ये एंगल नाइन्टी डिग्री का है तो इसकी ऑपोजिट साइड हाइपोर्टिनेस होगी और हम इस फिगर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो इन इक्वल लेंथ की वजह से हम इसको ट्राइंगल कह रहे हैं और 90 डिग्री एंगल की वजह से हम इसको राइट एंगल्ड आइसोसलेस ट्राइंगल कहते हैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते चले स्टूडेंट्स वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन डिग्री तो राइट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दो तो एंगल्स का सम भी 90 डिग्री के इक्वल आएगा बिकॉज 90 प्लस नाइन्टी इज इक्वल टू वन और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि, कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही फिगर बचता है दैट इज 45, जिसको ऐड करने से हमारे पास 90 आता है तो 45 फाइव प्लस फोर्टी इज नाइन्टी सो हमारे पास रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स जो राइट एंगल्ड में होंगे वो फोर्टी फाइव डिग्री के होंगे तो अगर हम इन तीनों एंगल्स को करें, तो हमारे पास होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है में हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है अबाउट सेमी सर्कल की एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल तो इस क्वेश्चन में भी हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे क्योंकि वी नो दैट सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल या जो ट्राइंगल होता है बिकॉज वी नो दैट सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला ट्राएंगल राइट right एंगल ट्राएंगल होता है तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे लेकिन लास्ट क्वेश्चन में हमें दो साइड्स की लेंथ गिवन थी जिसमें से एक हाइपोटेनस और एक और साइड की लेंथ गिवन थी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही लेंथ गिवन है जो हाइपोटेनस की है तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम हाइपोटेनस को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और फिर उसका राइट बाय सेक्टर ड्रॉ करेंगे तो राइट एंड वी नो दैट एनी पॉइंट ऑन द राइट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज फ्रॉम इट्स एंड ये हम पिछले में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे और अपनी डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं जिनके थ्रू हम इस क्वेश्चन में डायग्राम की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले हम गिवन मेंशन करेंगे तो स्टूडेंट्स पार्ट वन का गिवन है इन राइट एंगल आइसोसलिस ट्राइंगल हाइपोटिनस इज 5.4 सेंटीमीटर और हमें रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड आइसोसिल ट्राइंगल अब हम मूव करते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें बेस लाइन रिक्वायर्ड होती है स्टूडेंट्स तो उसके लिए हमें एक ही लेंथ गिवन है जो हाइपोटेनस की है तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे और 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे अब इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स पर नेम्स मेंशन कर देंगे ए एंड बी और इसकी लेंथ मेंशन कर देंगे 5.2 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स अब हमें इस लाइन सेगमेंट का राइट बाई सेक्टर ड्रा करना है तो उसके लिए कंपस लेंगे और रखेंगे पॉइंट ए पे और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद दो आर्स ड्रा करेंगे एक इस लाइन सेगमेंट के अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे अब कंपास को रखेंगे पॉइंट बी पे और दो और आर्स ड्रा करेंगे एक इस लाइन सेगमेंट की अपर साइड पे और एक लोअर साइड पे जो प्रीवियस आर्कस को इंटरसेक्ट कर रही है अब स्केल लेंगे और इन आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से गुजरती हुई एक लाइन ड्रा कर देंगे लाइन बेसिकली लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाय सेक्टर को शो कर रही है और यह राइट बाय सेक्टर जिस पॉइंट पे इस लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मार्क कर देंगे पॉइंट एम जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स अब हम एम को सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए कंपस लेंगे और रखेंगे पॉइंट एम पे और पॉइंट ए तक ओपन कर लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये सेमी सर्कल राइट बाय सेक्टर को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसको हम मार्क कर देंगे पॉइंट सी अब स्केल लेंगे और पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए के साथ और पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट बी के साथ अब हम देख सकते हैं वर्टेक्स सी पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट दैट एंगल इन अमी सर्कल इज अ राइट एंगल तो इस तरह से हमारी रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड आइसोसरेस्ट्रगल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है जिसमें हमें हाइपोट की लेंथ की बनती और लाइन सेगमेंट सी ए एंड लाइन सेगमेंट सी बी की लेंथ भी इक्वल होगी अब हम मैंशन कर देंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मैर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट टू सेंटीमीटर Bisect line segment AB at point M. With M as center, draw a semicircle of radius line segment AM or line segment BM which intersects the right bisector at C. Join A to C and B to C. Triangle ABC is the required right angled isosceles triangle with major angle C is equal to 90 degrees. स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम नेक्स्ट थ्री पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे तो चलते हैं पार्ट टू की तरफ दैट इज फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें हाइपोटेनस की लेंथ है फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर तो स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन मेंशन करेंगे इन राइट एंगल आइसोसलेस ट्राइंगल इज फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड है टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल्ड आई सोसवेस ट्राइंगल सर प्रीवियस पार्ट के स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जो कि कुछ इस तरह से होगी और अब हम यहाँ पे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन कर देंगे फर्स्ट स्टेप इज टेक अ लाइन सेगमेंट मैर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू फोर पॉइंट एट सेंटीमीटर देन ए बी लाइन सेगमेंट को बाइसेकट किया था तो उसको यहां मैं बाइसेकट लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एम देन पॉइंट एम को सेंटर रखते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था टेक एम एस सेंटर एंड अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस लाइन सेगमेंट ए एम और लाइन सेगमेंट एम बी विच इंटरसेंग ए टू सी एंड बी टू सी दस ए बी सी इज राइट एंगल आई डिग्री अब सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट टू पार्ट्स को भी सॉल्व कर लेंगे तो अब चलते हैं पार्ट थ्री की तरफ दैट इज सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर इसमें अब हाइपोटेनस की लेंथ को सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर रखते हुए एक राइट एंगल्ड आइसोसलिस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए पहले हम गिवन मेंशन कर देंगे इन राइट एंगल्ड आइसोसलिस ट्राइंगल हाइपोटेनस इज सिक्स पॉइंट टू सेंटीमीटर और रिक्वायर्ड है ंगलोसलेस ट्राइंगल तो प्रीवियस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जो कुछ इस तरह से होगा तो so, अब हम इसके ऑफ कंस्ट्रक्शन को मेंशन कर देंगे फर्स्ट स्टेप इज टेकमेंट मैं लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सिक्स टू सेंटीमीटर बायसेक लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट एम टेकिंग एम एज अंटर ड्रॉ अ सेमी सर्कल स लाइन सेगमेंट ए एम और बी एम विच इंटरसेंगल ए बी सी इज द राइट एंगलोसिल्वल टू नाइनटी डिग्री अब हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज पार्ट फोर फाइव पॉइंट फोर सेंटीमीटर इसके लिए भी हम पहले रिटर्न वर्क को मैंशन कर देंगे तो गिवन है, इन अ राइट इज़ 5.4 सेंटीमीटर, और हमें right तो रिक्वायर्ड जिस तरह से हमने पार्ट वन में आइसोसिल तो जिस प्रोसीजर के साथ हमने पार्ट वन में राइट एंगल्ड आइसोसिलस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट में भी कंस्ट्रक्ट कर लेंगे लेकिन हाइपोटेनस की लेंथ 5.4 सेंटीमीटर होगी तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को मेंशन कर देंगे टेक अ लाइन सेगमेंट मैयर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल्स टू फाइव सेंटीमीटर बायसेकट ए बी एट पॉइंट एम टेकिंग एम एज अ सेंटर ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए एम और बी एम विच इंटरसेक्ट द राइट बाई सेक्टर एट सी ज्वाइन ए टू सी एंड बी टू सी दस ट्राइंगल ए बी सी इज द राइट एंगल आई सोसोले ट्राइंगल विद एंगल सी इज इक्वल्स टू नाइनटी डिग्री स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए हैं जिसमें हमने पार्ट वन को प्रॉपरली तमाम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कंस्ट्रक्ट किया और बाकी फिगर्स को भी इन्ही स्टेप्स के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया और इनके रिटर्न वर्क को मैंशन कर दिया तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर सॉल्व कर लिया है जिसमें हमने राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल आइसोसलस ट्राइंगल को डिस्कस किया और उन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमने अपने क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन को कम्प्लीट कर लिया आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर फाइव से स्टार्ट करेंगे सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज़